Hi students, we are learning the chapter about central processing unit. Let us see evolution of central processing unit. CPU का evolution, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहा था. We were learning about the different generations of the CPU, the computer. The first generation, the second generation, the third generation, that all we already studied. Here comes the fourth generation computer, the fourth generation of CPU. Iska duration, the time period, it is from 1971 to the present. Matlab 1971 se अभी भी हम लोग यूज करने वाला वो है द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन सीपी है ना. उसमें हम लोग क्या यूज़ करता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप. ये है माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है उसमें है ना. ये कंप्यूटर ऑफ द फोर्थ जनरेशन वो इस तरह से है. ओके, जो कंप्यूटर हम लोग अपना स्कूल का कंप्यूटर लैब में भी यूज़ करने वाला कंप्यूटर इसी तरह का होता है, या फिर हम लोग अपना घर में यूज़ करने वाला वो पर्सनल कंप्यूटर भी इसी तरह का होता है. तो पर्सनल कंप्यूटर वगैरह में आजकल हम लोग फोर्थ जनरेशन वो CPU इस्तेमाल करता है. इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फोर्थ जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ करने वाला इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है. द साइज ऑफ द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का साइज कितना है, इट इज स्मॉलर साइज व्हेन कंपेयर्ड विद द थर्ड जनरेशन है ना. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से कंपेयर करने में ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वो छोटा है. देन द पावर कंसम्पशन, लेस पावर कंसम्पशन व्हेन कंपेयर्ड विद द थर्ड जनरेशन है ना. उसमें भी यही लिखा हुआ है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर उससे कंपेयर करने में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का और कंसम्पशन वो कम है. देन कॉस्ट, इट कॉस्ट लेस फॉर परचेसिंग व्हेन कंपेयर्ड विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ना. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से भी उसे कंपेयर करने में द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये परचेज करने का कॉस्ट वो थोड़ा कम है. एग्जाम्पल मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट आर इन यूज, आजकल हम लोग यूज़ करने वाला वैसे कंप्यूटर ना, अपना स्कूल का कंप्यूटर लाव में या अपना घर में ये सब यूज़ करने वाला वो कंप्यूटर, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से भी उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है. देन ये देखिए, वन मिली सेकेंड मतलब वो कितना है, 0.001 सेकेंड है, उससे भी कम है वन माइक्रो सेकेंड. वन माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 0.00001 सेकेंड्स एंड वन नैनो सेकेंड्स इट इज इक्वल टू 0.00000000 मतलब 80 देन वन कितना सेकेंड है, वन पीको सेकेंड मतलब उसमें कितना 0.12345678910 जीरो एंड वन उतना सेकंड है, वन पिको सेकंड. ओके, ए फैक्ट फाइल एंड एआई एक्सेलरेटर इज ए क्लास ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और द कंप्यूटर सिस्टम डिजाइंड एज हार्डवेयर एक्सेलरेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन. एंड एआई एक्सेलरेटर, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर इज ए क्लास ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, वो एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है, और द कंप्यूटर सिस्टम ना या फिर एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है which is designed as hardware acceleration
वो हार्डवेयर एक्सेलरेशन के लिए यूज करता है फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के लिए हार्डवेयर एक्सेलरेटर के रूप में यूज करने वाला है वो। देन स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्पीड ऑफ द सीपीयू इज नोन एज द क्लॉक स्पीड इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन ए सेकेंड। हम लोग एक सीपीयू का स्पीड वो हम लोग देखता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लॉक स्पीड। सीपीयू का स्पीड को हम लोग क्या भी बोलता है, द क्लॉक स्पीड बोलता है। इट इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन ए सेकेंड, उसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में अपना कंप्यूटर का सीपीयू वो कितना इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उसी को बोलता है उसका स्पीड। द यूनिट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ सीपीयू इज हर्ट्ज। सीपीयू का स्पीड को नापने के लिए हम लोग यूनिट, वो कौन सा यूनिट है, हर्ट्ज यूज करता है, एच सेट लिखता है, एच सेट हर्ट्ज। हर्ट्ज का हायर यूनिट भी यूज करता है, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, इस तरह से हम लोग द स्पीड ऑफ द सीपीयू उसको बोलता है। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स द यूनिट मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉडर्न कंप्यूटर में मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज इस तरह का हायर यूनिट्स यूज करता है टू measure the speed of the CPU. देखिए 1 kHz 1KZ is equal to 1000 Hz, 1000 Hz को बोलता है 1 kHz, 1 MHz is equal to 1,000,000 Hz, 1,000,000 Hz को बोलता है 1 MHz, 1 GHz मतलब कितना हो गया 100 crore Hz, 1 GHz मतलब 100 crore Hz। देन लेट्स रिकॉल, अभी तक हम लोग ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसको देख लेते हैं। CPU can be considered as the brain of the computer. ये computer का brain, उसका दिमाग वो क्या है, the CPU है। The main components of the central processing unit. एक CPU का main components वो क्या क्या है, arithmetic and logical unit, ALU, the control unit, CU and the memory registers. ALU performs all mathematical and logical functions or operations of the computer. ALU वो एक कंप्यूटर में सारा mathematical and logical functions करता है। CU the control unit, it controls all the devices of the computer system. वो अपना कंप्यूटर सिस्टम का सारा devices को control करता है and controls all the operations of a computer system. हमारा कंप्यूटर सिस्टम का सारा operations को भी ये control unit क्या करता है, इट कंट्रोल करता है। मेमोरी रजिस्टर्स, इट फंक्शंस एज ए टेम्पररी मेमोरी स्टोर। मेमोरी रजिस्टर एक्चुअली वो कैसे है, वो एक टेम्पररी मेमोरी स्टोर जैसा उसका काम करता है। स्पीड ऑफ द सीपीयू इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली विद द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अभी हम लोग अलग अलग कंप्यूटर का या अलग अलग सीपीयू का इवोल्यूशन के बारे में देखा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सब देखा है। ये सब में हम लोग एक बात देखा है, एक एक जनरेशन आगे बढ़ते समय वो स्पीड, द स्पीड ऑफ द सीपीयू वो भी इंक्रीज होते जाता है। द कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 generations बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द सीपीयू, है ना। द सीपीयू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है उसके अनुसार कंप्यूटर को 4 generations में डिवाइड किया हुआ है, द फर्स्ट जनरेशन, द सेकंड जनरेशन, द थर्ड जनरेशन एंड द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। द नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट एवर टास्क परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर दिस रन्स इन द बैकग्राउंड। हम लोग अपना कंप्यूटर में जो भी काम करता है ये
उसका बैकग्राउंड में अपना काम करता रहता है। क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का इसमें से कौन सा पार्ट में होता है, कहाँ होता है? मदरबोर्ड में होता है। ऑप्शन बी, मदरबोर्ड में होता है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ दिस टू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इज टू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक्सिक्यूट करना है, ये इसमें से कौन सा चीज़ का मेन फंक्शन है? इसमें से क्या चीज़ का मेन फंक्शन है? ऑप्शन ए, मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी रजिस्टर्स में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर किया हुआ है उसको एक्सिक्यूट करने का है। देन नेक्स्ट, दिस मैनिपुलेट्स एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अपना कंप्यूटर के साथ जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। इसमें से कौन सा चीज़? ऑप्शन बी, द कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, इट टेम्पररली स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू, है ना। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो अपना कंप्यूटर का सीपीयू यूज़ करता है उसी को स्टोर करने वाला लोकेशन वो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, मेमोरी रजिस्टर्स। ऑप्शन ए, मेमोरी रजिस्टर। नेक्स्ट, तो फिल इन द ब्लैंक्स। वन, डैश इज रनिंग ऑन द बैकग्राउंड व्हेन एवर एनी टास्क इज परफॉर्म्ड ऑन बाय द कंप्यूटर। जब भी अपना कंप्यूटर कोई भी टास्क, वो टास्क करने के समय बैकग्राउंड में ये चीज़ अपना काम करता रहता है। द नेक्स्ट, डैश इज द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का एक मेन पार्ट ये है। नेक्स्ट, डैश परफॉर्म्स द टास्क सच एज कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डाटा। इनपुट और आउटपुट डाटा को कंट्रोल करने वाला वो काम ये पार्ट करता है। फोर्थ, द स्पीड ऑफ द ट्रांसिस्टर्स इज मेजर्ड इन डैश। द स्पीड ऑफ द ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर का स्पीड वो मेजर करने वाला यूनिट डैश। फिफ्थ, स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो नोन एज डैश। सीपीयू का स्पीड उसको हम लोग ये नाम में भी बोलता है डैश। ये सबका आंसर नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। सीपीयू होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज करंटली यूजिंग इन मेमोरी रजिस्टर्स, है ना। दैट इज करंटली यूजिंग इन मेमोरी रजिस्टर्स। सारा इंफॉर्मेशन मेमोरी रजिस्टर्स में, सारा इंफॉर्मेशन सीपीयू में है। ट्रू और फॉल्स। सेकंड, द क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन हर्ट्स। द क्लॉक स्पीड उसको मेजर करता है हर्ट्स में। ट्रू और फॉल्स। देन, द कंट्रोल यूनिट इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट, उसका आंसर लिखना है। देन, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ए डिजिटल सर्क्यूट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक डिजिटल सर्क्यूट है। ट्रू और फॉल्स। देन, द कंट्रोल यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, वो ट्रू और फॉल्स। ये सबका आंसर द नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। वन, सीपीयू, एएलयू, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांसिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। यहाँ पर क्या क्या है? मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स, मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन, मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, है ना। इसको मैच करना है। देखिए, सबसे पहले सीपीयू, सीपीयू कैन बी मैच्ड विथ सी टू प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। एएलयू, एएलयू कैन बी मैच्ड विथ डी
मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस. देन वैक्यूम टू कैन बी मेजर्ड विद ई मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स. देन ट्रांसिस्टर इट कैन बी मेजर्ड विद बी मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स. इंटीग्रेटेड सर्क्यूट इट कैन बी मेजर्ड विद ए मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स. द नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वन व्हाट इज मीन बाय द टर्म सीपीयू. सीपीयू मतलब क्या है. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एएलयू. एएलयू का वर्किंग उसको एक्सप्लेन करना है. राइट डाउन द वर्किंग ऑफ द कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट का वर्किंग उसके बारे में लिखना है. लिस्ट द जनरेशंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का अलग अलग जनरेशंस उसी को एक लिस्ट बनाना है. व्हाट आर मेमोरी रजिस्टर्स. मेमोरी रजिस्टर्स क्या है. ये सबका आंसर नेक्स्ट वर्कशीट है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इवोल्यूशन उसी के बारे में ये टेबल को कंप्लीट करना है. इसमें ये कॉलम में क्या क्या है. द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. यस लिखा हुआ है. उसमें विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड. ये एक एक जनरेशन में द टेक्नोलॉजी यूज्ड वो लिखना है एक कॉलम में. इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्शन के बारे में एक कॉलम में लिखना है. यूनिट विच मेजर्स द प्रोसेसिंग स्पीड. एक एक जनरेशन में प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने वाला यूनिट. द यूनिट विच मेजर्स द प्रोसेसिंग स्पीड. प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने वाला यूनिट क्या है वो लिखना है ये वाला कॉलम. देन उसका भी आंसर देखिए. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स उसका टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स. उसका इलेक्ट्रिसिटी कंसप्शन ए लार्ज अमाउंट. यूनिट विच मेजर्स द प्रोसेसिंग स्पीड मिली सेकेंड. ओके देन in the second generation computers the technology used the transistors. Electricity consumption less as compared to the first generation computers. You know unit which the measures the processing speed microseconds. Then next the third generation computer uska technology integrated circuit. Electricity consumption less as compared to the second generation computers. Then the unit which measures the processing speed nanoseconds. Then last the fourth generation computer uska technology microprocessor. Electricity consumption less as compared to the third generation computers. Then unit which measures the processing speed MIPS and picoseconds. वो टेबल इस तरह से फिलअप करना है. देन नेक्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट अबाउट दम. ये पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके उसका आंसर लिखना है. ये देखिए ये पिक्चर क्या है इसके बारे में लिखना है. ये पिक्चर के बारे में ये एंड दिस वन वो सब क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है ना. इसी प्रकार में उसको लिखना चाहिए. ओके इतना ही है ये चैप्टर में. इसका ऑब्जेक्टिव्स का आंसर आप लोग बुक में लिखिए.
ये वर्कशीट का भी आंसर आप लोग अपना बुक में लिखिएगा अंडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आप लोग कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिखना है। ये सारा चीज़ बुक में और कॉपी में कंप्लीट करके ये सब याद भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू।